एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन दिया है उसे हमें सिंपलीफाई करना है और कौन से लॉ से, एक्सपोनेंट्स लॉ यूज करके ये क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है एंड जो आंसर आए उसे भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, यानी पावर की फॉर्म में रखना। तो सबसे पहले है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉ है वो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे कि सबसे पहला लॉ कि अगर दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर उन दोनों का बेस जो है वो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है तो क्या होगा, पावर का एडिशन होगा और बेस वन टाइम लिखा जाएगा और पावर का एडिशन होगा। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ था कि अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो और बीच में डिवाइड हो, ठीक है, जैसे कि ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन ऐसा हो तो क्या होगा, ए की पावर एम माइनस एन बीच में डिवाइड हो, ठीक है, और बेस सेम हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। थर्ड लॉ था कि अगर ए की पावर एम है, ठीक है, उसके ब्रैकेट के बाहर कोई और नंबर पावर में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो पावर है, एक तो इस नंबर की पावर और एक ब्रैकेट के बाहर की पावर, तो ऐसे समय पे उन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए पावर एम और एम मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और ए की पावर बन जाएगी। उस तरह से अगर यहाँ पे जैसे बेस सेम थे, ठीक है, उस तरह से अगर अलग अलग बेस हो कि ए मल्टीप्लाई बी और जो पावर है वो दोनों की अगर सेम है तो ऐसे में जो बेस है उनका आपस में मल्टीप्लाई करके पावर वन टाइम में लिखी जाएगी। उसी तरह अगर इसमें डिवाइड हो, ठीक है, तो क्या होगा, बेस वन टाइम लिख के बेस लिख के सिर्फ डिवाइड में और पावर जो है वो वन टाइम ही ऊपर लिख जाएगी। और लास्ट रूल था कि अगर किसी नंबर की पावर जीरो है तो उसका आंसर वन निकलेगा। ये लॉ हम पढ़े थे तो इनका यूज करके हमें ये क्वेश्चंस करने हैं और आंसर हमें पावर की फॉर्म में लाना है। तो ये वाले में कौन से लॉ का यूज होगा, बीच में मल्टीप्लाई सबकी बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर का एडिशन, यानी कि फर्स्ट लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 बेस वन टाइम और सभी पावर का आपस में एडिशन, यानी 2 + 4 + 8 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 + 2 = 10 10 + 4 = 14 3 की पावर 14। इससे आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर 3 × 3 × ऐसा 14 टाइम में लिखें, लेकिन हमें क्या बोला है कि आंसर जो है वो पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी पार्ट इसके करेंगे। सेकंड है 6 की पावर 15 / 6 की पावर 10। यहाँ पे बेस तो सेम है, पावर अलग है और बीच में क्या है, डिवाइड, तो अगर डिवाइड है तो कौन सा रूल लगेगा, सेकंड वाला। यहाँ पे लिखा जाएगा 6 की पावर 15 - 10, पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ओके, तो 6 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5, तो यहाँ पे आंसर आया 6 की पावर 5। थर्ड है 8 की पावर 3 × 1 की पावर 2, तो यहाँ बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का क्या होगा, एडिशन, तो 1 की पावर 3 + 2
तो आंसर आएगा a की पावर 3 प्लस 2 यानी 5, a की पावर 5। फोर्थ है 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो यहां भी बेस तो हमें सेम दिए हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर का एडिशन होगा, तो 7x+2। तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि x की वैल्यू में दी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही। फिफ्थ है 5 की पावर 2 और उसके ब्रैकेट के बाहर भी पावर दी है 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यह जो पावर की पावर है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 की पावर 2, 3 जा 6, तो ये हो गया 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे बेस तो सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा कि 5 की पावर 6 - 3, तो आंसर आएगा 5 की पावर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 5 की पावर 3 का आंसर। हमें सिर्फ इन लॉज का यूज करना है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन 6 रूल्स का यूज करके इस क्वेश्चन को करना होता है, बाकी कुछ इसमें नहीं। सिक्स्थ है 2 की पावर 5 × 5 या बेस हमें कैसे अलग, पावर सेम है यहाँ पे, तो सेम पावर हो और बेस अलग हो, ठीक है, पावर कैसे सेम, बेस अलग है, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो ये वाला रूल लगेगा कि बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 2 × 5, और जो पावर है ना वो इस ब्रैकेट के बाहर 1 टाइम ही लगा जाएगा, तो ये हो गया 2 × 5 = 10 और 10 की पावर 5 की आंसर। अब ब्रैकेट करो ना जरूर चलेगा ये, तो 10 की पावर 5 ये आंसर है। सेवेंथ है 1 की पावर 4 × b की पावर 4, यहां पे पावर किसी सेम है इसके जैसा ही और बेस अलग है, तो बेस का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a मल्टीप्लाई b, तो a भी हो गया और उसकी पावर ये 1 टाइम ही लिखी जाएगी, तो a भी a मल्टीप्लाई b यानी a भी और पावर 1 टाइम ही लिखी जाएगी, सो a की पावर 4। एट है 3 की पावर 4 उसके बाहर पावर है 3, तो यहाँ पे पावर की पावर है तो उन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 × 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 × 3 = 12। नाइन्थ है 2 की पावर 20 / 2 की पावर 15 फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रूल लगा है ब्रैकेट के अंदर, तो डिवाइड का रूल लगेगा, सेम बेस है पावर अलग है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, 2 की पावर 20 - 15 बनेगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 था, तो 2 की पावर 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, सेम बेस बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर का हो जाएगा एडिशन कि 5 + 3, तो ये बनेगा 2, 5 + 3 = 8, तो 2 की पावर 8 ये इसका आंसर।
क्लास टेंथ में कि 8 की पावर 3 डिवाइड बाय 8 की पावर 2 बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो हो जाएगा पावर का सब्ट्रैक्शन कि 8 की पावर 3 माइनस 2। अब टी का तो हमें कुछ पता नहीं है कि टी क्या नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे टी माइनस टू इतने तक नहीं रहेगा, तो ये इसका टी की वैल्यू अगर पता होगी तो इससे आगे वो पा जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां भी हमें सिंप्लीफाई करने करके इसका आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 32। अब यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे हमें यही रूल्स का यूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसा करेगा कि ये से जो बड़े कोई अलग नंबर है ना, ये किसकी पावर है, ठीक है, जैसा कि ये 4 है, ये किसका मतलब इसको हम जैसे कि ये 4 है, ठीक है, तब इसको अगर छोटा बनाना हो, ओके, तो क्या ऐसे करने का कि इसके जो ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 ऐसा नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, ऐसा ही ये 32 को, अब 32 नहीं लिखेंगे इस 32 की जगह, अब 32 की जगह लिखा जाएगा ये 32 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं पहले, तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि ये 2, 3, 4, 5 यानी 2 की पावर 5 उसका आंसर 32 होता है, ठीक है। तो हम 32 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 5। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले 2 की पावर 3 को कॉपी करेंगे, फिर 3 की पावर 4 को भी, और 4 की जगह क्या लिख दो बोला मैंने 2 की पावर 2 3 वैसे का वैसा, और 32 की जगह लिखा जाएगा 2 की पावर 5 क्योंकि 2 की पावर 5 भी होता है 32। ओके, तो इस तरह से पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर वो किसकी पावर है वो पता चलेगा, ठीक है, अगर ऐसे कोई नंबर हो उसे, तो ऐसा करने के बाद हम रूल्स लगाएंगे तो कुछ ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ये दोनों मल्टीप्लाई में और सेम बेस है, तो सेम बेस वालों का क्या हो जाएगा, सेम बेस हो तो पावर का एडिशन हो जाएगा बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, ओके, और फिर ये मल्टीप्लाई, अब ये 3 की पावर 4 है, अब यहाँ पे आप अगर आप देखिए तो अपॉन में 3 है, अब ये 3 की कितनी पावर कहलाया कुछ नहीं है तो 1 पावर कहलाया, तो यहाँ पे बीच में डिवाइड है तो बीच में डिवाइड हो सेम बेस हो तो पावर का होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, और अपन में अभी क्या बचा 2 की पावर 5। तो यहां पे अब 2 की पावर 3 प्लस 2 5 होगा मल्टीप्लाई 3 की पावर ये बनेगा 4 माइनस 1 तो बनेगा 3,
और अपॉन में 2 की पावर 5। तब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे पावर जो है वो कैसी है, मतलब पावर भी सेम है और मतलब 2 की पावर यहाँ भी है, 2 की पावर यहाँ भी है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ना कि 2 की पावर 5 माइनस 5 तो 0, या फिर 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा 3 की पावर 3। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं कि 3 3 9, 9 3 27, पर हमें 27 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ इतना ही रहेगा कि 3 की पावर 3 यही एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हुआ। तो इस तरह से हमें बाकी के कुछ करते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यही चीज ध्यान रखना कि अगर कोई बड़ा नंबर इस तरह से दिया हो, ठीक है, तो उसे सबसे पहले पावर की फॉर्म में लिखना रहेगा। ऐसे ऐसे नंबर्स को पहले हम पावर की फॉर्म में लिखना रहेगा, फिर हम उसको आगे कट कर पाएंगे। बाहर है पावर उसकी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ब्रैकेट डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो यहां पे कौन सा लॉ लगेगा? तो सबसे पहले पावर की पावर है तो उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, ये डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो यहाँ पे 5 की पावर बन जाएगा 2 3 6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो 5 की पावर 6 5 की पावर 4 सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का हो जाएगा एडिशन, तो 5 की पावर 6 प्लस 4, फिर ये डिवाइड बाय 5 की पावर 7। 5 की पावर 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7, तो सेम बेस है बीच में डिवाइड हो तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन कि 5 की पावर 10 माइनस 7, तो ये अब बन जाएगा 5 की पावर 3, 10 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, सो यहाँ पे 5 की पावर 3 आ जाएगा। सेकेंड हो गया, थर्ड 25 की पावर है 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब यहां पे कौन सा लॉ लगेगा? तो यहां पर तो पावर भी अलग है और बेस भी अलग है और बीच में डिवाइड है, तो लॉ लगाने के लिए या तो फिर बेस सेम होना चाहिए या फिर पावर सेम होनी चाहिए। तो सेम बेस हम बना सकते हैं कैसे? अगर हम 25 को अगर पहले अगर 25 को ही पावर की फॉर्म में लिखा है तो 5 5 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और उसके बाहर अगर ये जो ब्रैकेट दिया है वो लिखा जाए, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है डिवाइड बाय 5 की पावर। या फिर सेम चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 25 की पावर 4 है ना, तो यहां पे हम 5 मल्टीप्लाई 5 ये 25 हुआ, अब उसकी पावर क्या है 4, ठीक है, फिर डिवाइड बाय है 5 की पावर 3 बराबर, यही चीज हुआ 5 मल्टीप्लाई 5 25 हुआ, फिर उसकी ब्रैकेट के बाहर अगर 4 लगा दिया जाए
तो ये सेम चीज हुआ 5025 की पावर 4 और फिर डिवाइड बाय 5 की पावर 3 है, तो ये हमने अपॉन का साइन करके 5 की पावर 3 कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 की भी पावर 4 है और ये 5 की भी पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और नीचे है 5 की पावर 3। तो क्या कर सकते हैं हम कि पहले इन पावर का एडिशन कर लेंगे, 5 की पावर 4 प्लस 4 क्यों एडिशन किया, क्योंकि यहाँ पे सेम बेस है, ठीक है, सेम बेस और बीच में मल्टीप्लाई पावर का एडिशन कर सकते हैं और डिवाइड बाय है 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 है, तो आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। अब 5 की पावर 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 है, बीच में डिवाइड हो और सेम बेस हो तो पावर का सबट्रैक्शन होगा, तो 5 की पावर 8 माइनस 3 बनेगा, 5 की पावर 8 माइनस 3 से होगा 5, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे ये इसका पावर की फॉर्म में रहता है, तो 5 की पावर 5 इसका। फोर्थ पार्ट 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर है 3। तो यहां पे अगर ये जो बड़ा नंबर है, ठीक है, 21, तो इसको हम छोटा बना सकते हैं। अब 21 किसी की पावर वाला नहीं बन सकता, लेकिन ये 21 जो है वो पहले 3 से डिवाइड होगा, पर तो 3 7 था 21 और 7 1 था 7, तो यानी अब 21 की जगह हम छोटा नंबर 3 मल्टीप्लाई 7 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 है, 21 की जगह 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, 3 7 का 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर 2, यहाँ पे देखो अब 7 की पावर 2 यहाँ पे 7 की पावर 1 कहलाएगा, तो सेम बेस है तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे बनेगा 7 की पावर 2 माइनस 1 और फिर मल्टीप्लाई 11 की पावर क्या होगा, बीच में डिवाइड है, सेम बेस है तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन की 8 माइनस 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 की पावर 2 माइनस 1 तो 1, चाहे लिखो ना लिखो चलेगा 1, और 11 की पावर 8 माइनस 3 कितना बनेगा 5, तो 11 की पावर 5। अब क्योंकि हमें आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, पावर के फॉर्म में ही रखना है, तो इससे आगे हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 7 जो है किसी पावर किसी की भी पावर करने से 7 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11 जो है 5 उसकी पावर 5 आया, ठीक है, तो अब हमें यह आंसर याद ही रखना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। तो इसलिए अब 4 के बाद है 5th पार्ट, कि 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर है 3, सॉरी 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। तो यहां पे हम पहले 3 की पावर 7 रखें
और नीचे सेम बेस है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का एडिशन हो जाएगा 4+3 तो 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 4+3 7। अब सेम चीजें आ गई तो चाहो तो 3 की पावर 7 - 7 ऐसे लिखो या फिर 3 की पावर 7 को कट कर दो तो भी सेम चीज है 3 की पावर 7 - 7 तो 0। अब 3 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या करेगा 1। तो ऐसे भी आंसर 1 आएगा और ये 3 की पावर 7 कट जाएगा तो भी आंसर 1 कट गया तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट किए हमने, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।